हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज है 19 मई और आज है फ्राइडे और आज है मेरा ऑफ। आज मुझे ऑफ मिला है 9 दिन बाद, बिकॉज लास्ट वीक मेरा ऑफ था मंडे ट्यूसडे और इस वीक मेरा ऑफ है फ्राइडे एंड सैटरडे। तो आज है फ्राइडे, पहला दिन मेरे ऑफ का। तो आज हम जा रहे हैं सिल्विया पार्क मॉल अगेन और देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है। आज प्लान कुछ ऐसा है कि सुबह अभी इस टाइम जा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी है अपने लिए, कुछ एक्सेसरीज ख़रीदनी है स्कूटर के लिए एंड सर्दी भी आ रही है, तो सर्दी आ रही है तो नो उसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपको कपड़े चाहिए या फिर अब सुबह सुबह जब, क्योंकि अब मेरी शिफ्ट है अराउंड 7:30 से मेरी शिफ्ट स्टार्ट है सुबह, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग निकलना पड़ता है। तो सुबह होती है बहुत तेज़ ठंड यहाँ पे, मतलब दिल्ली वाले लोग ठंडी है भाई, 10 डिग्री तो दिल्ली वाले लोग ठंडी है, तो मुझे बहुत, तो उसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा पहले ग्लव्स वगैरह ले लूँ और ग्लव्स मिल जाए, प्लस मेरे पास स्कूटर के लिए स्कूटर को लॉक करने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा एक लॉकर भी जाके ख़रीद लिया जाए ताकि मैं कहीं भी जाऊँ तो उससे जा सकूँ, क्योंकि छोटा मोटा डिस्टेंस तो हम उससे कवर कर सकते हैं, बड़ा तो नहीं कर पाएंगे। तो हाँ, देखते हैं क्या होता है आज का, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो लगता है कि लोगों को ऐसा क्या टाइम ना हो कि पूरे वीडियो देख पाएँ, तो छोटा व्लॉग बनाएंगे और कोशिश करेंगे सब कुछ कवर करने की उसमें। तो अभी मैं हूँ, अभी मेरे को रोड क्रॉस करनी है लाइक दैट, आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं एंड उसके बाद सामने आप देखेंगे आपको देखो रेड साइन दिख रहा होगा, जब वो ग्रीन हो जाएगा तो हम रोड क्रॉस कर सकते हैं, ग्रीन हो गया। आज इतनी मस्त धूप आ रही है ना, रात को बारिश हो रही थी, सुबह भी थोड़ी बारिश हो रही थी, तो आज का मौसम देखिए एकदम नीला नीला आसमान, पता नहीं कब ये बारिश में बदल जाए, यू डोंट नो, बट हाँ मौसम अच्छा है आज का। कोशिश करेंगे कि बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ करें आज के दिन को क्योंकि शायद मौसम ना बिगड़े, तो लेट्स सी। ये और आगे है हमारी, ये है हमारी बस, तो हम जाएंगे यहाँ से अंदर। तो चलिए चलते हैं पीछे। हम बैठेंगे यहाँ पर। तो ये है बस का इंटीरियर, देखिए यहाँ की बसें ऐसी होती हैं, ज़्यादातर आपको खाली मिलेंगी बसें, बहुत जो बसें ज़्यादातर जाती हैं सिटी की तरफ वहाँ उसमें थोड़ा आपको ज़्यादा रश मिल सकता है, बट जो बसें नॉर्मल इन्हीं सबअर्ब्स में घूमती हैं वहाँ पर आपको ज़्यादा रश नहीं मिलेगा। वैसे भी फ्राइडे आज ऑफिस टाइम जा चुका है, तो पहुँच गए हैं सिल्विया पार्क और अभी हम बस घूम ही रहे हैं इधर। देखो ई है ए एंड जेड, तो मे बी हेडक्वार्टर पता नहीं, सिर्फ मैं तो सिर्फ एज्यूम कर सकता हूँ। हाँ जाएंगे हम अभी सीधा, आपको अंदर ही देखते हैं, अंदर ही मिलते हैं आपसे। पहले मैं ढूंढता हूँ यहाँ पे कि मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, फिर कोई अच्छी जगह पे घुसेंगे तब आपको दिखाएंगे। ओके, तो सीधा मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में, बने रहिए इस वीडियो में। ओके, तो हमने ले लिया है लॉकर, ये देखिए ये है, इसका प्राइस टैग क्या था, चलिए तो लॉकर तो ले लिया है सबने, लॉक बाइक लॉक, तो इसका प्राइस चेक करते हैं, इसका प्राइस क्या है। तो उसका प्राइस है $18, चीप
काफ़ी सस्ता है वैसे, मुझे यहीं पे मिल गया तो बढ़िया है। और ये देखिए अडेप्टर्स, एक अडेप्टर का प्राइस सब $3-4 है यहाँ पे लिटरली। यार मेरा ये अलग खो गया यार, ये मेरा प्लेन में कहीं पता नहीं कहाँ चले गया, गिर गया था नेकरेस्ट। तब से मैं सोच रहा हूँ लेने का बट टाइम ही नहीं मिल रहा लेने का। तो भैया हम तो देख रहे हैं अभी क्लियरेंस पे चलते हैं। क्लियरेंस में अच्छा माल मिलता है, यहाँ पे चीप माल मिल जाता है क्लियरेंस में। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका $11 फॉर आई थिंक योगा मैट, आई थिंक इट्स योगा मैट, $11 में मिल रहा है आपको। तो चीप डील्स यहाँ पे चलती रहती हैं हर वीक या फिर हर 24/7 खुला रहता है वैसे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही सही चीज़ है। चलिए आपको आगे दिखाते हैं। गैस कीजिए हम कहाँ पे हैं, और हम हैं मॉल के अंदर फूड कोर्ट में, और अभी मैं खा रहा हूँ समोसा। देखिए ये है समोसा, और पता कितने डॉलर का है ये? यह $4 का, मतलब अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें तो ₹200 का एक समोसा। और इंडिया में मिलता है, मतलब इंडिया में पता नहीं मेरे को हर जगह कितने कितने का मिलता है, बट हाँ इन जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली में वहाँ मिलता है समोसा दस का समोसा, 13 या 14 का मिलता है ब्रेड पकौड़ा, और यहाँ मिल रहा है 200 का समोसा। भाई इंडिया खाने पीने के मामले में भैया इंडिया बहुत सही है यार, इन जगह से इन जगह में इतना महंगा खाना है क्या बताऊँ, बहुत महंगा। और भीड़ देखिए यहाँ पे, इतनी भीड़ नहीं है बट ठीक ठाक है, सब दे दिए। और मैंने लिया यहाँ से, लिया था मैंने सामने जो वो है वहाँ से मैंने लिया अपना समोसा, वो सभी लोग इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा माहौल है बट मेरे साथ कोई नहीं है। कोई बात नहीं बट हाँ अच्छा है, नाइस। तो आ गए भैया ज़ारा के स्टोर में, तो आपको दिखा दूँ ज़ारा के कपड़े और जूते। जूते देखिए पहले, ये देखिए भैया क्या शूज़ है यार, क्या शूज है, नहीं एक नंबर यार। बैग्स, जैकेट्स, ये वाली मेरे को अच्छी लगी है, ये वाली पता नहीं इसका प्राइस कितना है यार, प्राइस अगर कहीं लिखा होता तो मज़ा आता था बट प्राइस नहीं है यहाँ पे, पूछना पड़ेगा प्राइस के लिए। इतनी मगजमारी कौन करेगा यार, प्राइस पूछो ये करो, फिर अपने बजट में नहीं हुआ तो फिर वो परेशानी भी है नहीं। बट हाँ कपड़े एक नंबर है भैया, कुछ भी कहो कपड़े बिल्कुल लल्लन टाप हैं। इधर देखो सेम जूते यहाँ पे भी हैं, वाह सेम जूते हैं बट थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन है यार, इतना मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, सब कुछ महंगा महंगा बहुत है। रेड फ्रूट आइसक्रीम्स, आइसक्रीम सो एक्सपेंसिव। फुट लॉकर, अरे चले कन्वर्ज में नहीं जाएंगे पहले, फुट लॉकर सामने है और जेडी, ये रहा हमारा जेडी, जेडी में ले जाऊँगा भाई मैं, पहले देखूँगा क्या है यहाँ, क्या सीन है आज। चलो दिखाता हूँ आपको अभी आज क्या सेल लगे यहाँ पे, लगा लो यार सेल, लगवा दो दिलवा दो जूते मेरे को, ऑफर चल रहा है इस पर, फिर भी चल रहा है ऑफर देखो। तो ये मिल रहा है 160 का, देख पा रहे हो अगर आप, तो यार इतने महंगे क्यों मिल रहे हैं यार, मेरी किस्मत में क्यों नहीं है, ये भी इतने का ही होगा $150 का। देखिए जूते तो मतलब इतने मस्त जूते हैं, क्या बताऊँ, ये जॉर्डन मेंस।
मैं जो जूते का शौकीन है भाई, देख लो इतने मस्त जूते हैं। अब मुझे मैसेज कर देना जब मैं इंडिया आऊँगा तो लेके आऊँगा तुम्हारे लिए, ठीक है? बस जिसको चाहिए मेरे को डाल देना मैसेज। देखिए ये एक जूता है जॉर्डन का, देखते इसका प्राइस कितना है। इसका प्राइस है $20 ब्रो, आर यू किडिंग मी, जस्ट फॉर $90। ठीक है ना ब्रो, 90 है ना? हाँ ब्रो 90 है यार, $90 है तो फिर व्हाट आर यू वेटिंग फॉर ब्रो। कट गया भाई, गंदा वाला कट गया, सिर्फ 7 साइज है उसके पास, बोला 7 साइज में अवेलेबल है इस प्राइस पे। कहा यार ये तो गलत बात है यार, रॉन्ग ब्रो, दिस रॉन्ग ब्रो, रियली रॉन्ग। हमारी किस्मत में नहीं है भैया जूते ना, हमारी किस्मत में तो बस वही है हमारा जॉब। अब मैं सोच रहा हूँ इतना निराश होने के बाद तो कुछ खा ही लिया जाए, तो हम जा रहे हैं अब KFC में, यहाँ निराश ना हो काश, यहाँ थोड़ा अच्छा प्राइस मिल जाए, अच्छी डील्स मिल जाए। ये बहुत महंगा देते हैं यार, कम से कम $20 $25 से नीचे का खाना ही होता है इनके पास। कुछ डील्स चल रही हो तो हमें लपेट लेंगे कुछ ना कुछ। तो लेट्स गो इन द KFC। आ गया हमें KFC के अंदर, देखिए आ गए हम KFC में। ये दो लेडीज़ पहले से ही इसमें, ये है आपका मेन्यू। खास तो है नहीं आता मेरे हिसाब से। फ्री लाइक चिप्स एंड ड्रिंक, एक बर्गर है और एक टंगड़ी जिसे कहते हैं लेग पीस, वो है इसमें। तो ये पड़ा है मुझे $9.99। तो देखते हैं कैसा होता है, वर्थ इट है कि नहीं। हाँ भाई आ गया है अपना खाना, ये देखिए ये है कोक, ये फ्राइज, ये फ्राइज है, और ये है हमारे चिकन नगेट, चिकन फ्राइड चिकन, एंड ये बर्गर। तो भैया आ गए हैं हम पैकन सेव में, तो ये है सी फूड का, ये है आपका सी फूड का कॉर्नर, और यहाँ पे देखिए साउदर्न क्लैम्स, लाइफ क्लैम्स 1 kg, सॉरी अलग ही है भैया। तो इतना सामान लिया हमने अभी, बस कीवी, एक एनर्जी ड्रिंक है और है चिकन ड्रमस्टिक। अभी शाम देखते हैं, और शाम को आएंगे एक बार फिर और कार में, तब कुछ अच्छा और मिल जाए तो ले लेंगे। भैया पहुंच गए हैं अपने स्टेशन पे। दूसरे पहली क्लिप में आपने देखा होगा बंदे को, एक से एक कैरेक्टर है भैया। इधर भी सिर्फ इंडिया में, मैं सोच रहा था इंडिया में ऐसे लोग हैं भाई ना, मैं हर जगह ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे, बस थोड़ा सा उनका कैरेक्टर, थोड़ा उनका स्टाइल डिफरेंट होता है और तरीका डिफरेंट होता है, बट कैरेक्टर हर जगह भैया एक से एक कैरेक्टर है। डांस देखते बंदे का